लंच वादियों में जन्नत में। हेलो, हाउ आर यू? आर यू फाइन? सो अभी हम बड़ा भाई है प्रिंस भैया, तो हम जाने वाले हैं गुलमर्ग। तो आज मतलब स्टे करना है फिर ऐसे ही? नहीं, खाली डे का ही रहेगा और देखते हैं कि आज की ट्रिप कैसी रहती है। कुछ और दोस्त भी आगे मिलेंगे हमें और लंच के लिए अभी तो उनको मिलने जा रहे हैं। चलो मिलते हैं। दे सकते हैं मेरे बड़े भाई के फ्रेंड आते हुए, तो इस साइड में हम भी उनके पास जा रहे हैं। सो अब हम अंदर बैठने जा रहे हैं। सत्या भैया, ठीक हो? बढ़िया। सो गाइस, हम इधर आए हुए पेट्रोल भरने गाड़ी में, फिल अप करने। अभी तो हम बेलपुरी दे रहे हैं। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको इसको बोलते हैं झालमुड़ी। क्या बोलते हैं? झालमुड़ी। झालमुड़ी वही ले रहे हैं हम। चलो देते हैं, ये बन रही है अच्छे से। उसके बाद वो हमारी गाड़ी, हम जा रहे हैं फिर गुलमर्ग। चलो मिलते हैं आपको। तो भैया, बेलपुरी कैसा स्वाद है? बहुत टेस्टी है। तो नाजी और समय बहुत टेस्टी है। खाते हुए और हम रास्ते में, अभी इसके बाद जीरो ब्रिज भी आने वाला है, वो भी हम आपको बताएंगे। और आगे से हमने अपना फूड कलेक्ट करना है जो हम ऑर्डर देके आए थे, तो उसके बाद हम ऑन द वे टू गुलमर्ग। अभी तो हम जा रहे हैं लंच लाने, जो हमने लंच ऑर्डर दिया था वही हमने कलेक्ट करने जा रहे हैं। बिरयानी बिरयानी। चलो अभी हम जूस लेते हुए, चिप्स लेते हुए। जूस और चिप्स तो ले लिया, अब थोड़ा सामान जो बचा वो बचा है तो वो ले रहे हैं, दिया ले रहे हैं, तो वो भी आने दो उनको। आ रहे वो दो, वो शॉप पर बैठे हुए आ रहे, वो आने दो उनको, वेट करें। चलो थोड़ी अंदर कम्प्लीट आ रहे हैं, तो सारा सामान आते हुए लेट आने नहीं कुछ लेट आने वाली लिखी मगर कैंसल कर चल किसी को नहीं कर को नहीं कर ये तो सारा सामान आते हुए तो साइड में बैठे हैं। चले सो गाइस, आप देख सकते हैं हम हाईवे पे पहुंचते हुए। अब अच्छा सा पुट्टा वाला मिले जो हम पुट्टा लेंगे इधर से। देख सकते हैं आप इधर, ये सामने भी देख तो ये रहा हमारा बुट्टा, सारा सामान बराबर होते हुए। तो अभी हम तो जा रहे हैं राइड पर, देखिए गुलमर्ग अब पास में, ज्यादा दूर भी नहीं है। जो हम पिछले ब्लॉग में भी आए थे ना, तब एसी से लिए थे हमने, तो एसी से लेके हम ग्राउंड गए थे, तो वही सेम ही रास्ता है। ये दो लेते हुए इधर से खाते हुए, कैसा स्वाद है इसका भैया? कैसी मीठी टेस्टी है। कश्मीरी कश्मीरी कौन है, ये जो हम कश्मीरी भुट्टा कह सकते हैं, तो काफी मीठी, और इसमें जो उन्होंने लेमन और सॉल्ट का टेस्ट ऐड किया वो काफी अच्छा है। उसकी वजह से काफी टेस्ट आ रहा है। बाकी ये कि पैसे मैंने दिए, ये तीनों के दोनों के जूस है। थैंक यू। व्यू देख सकते हैं, बड़े बड़े ये हाय टॉवर्स, वो सिल्ट मतलब बुट्टी की खेत है, वो नहीं चावल के राइस, राइस मिल सही तो वो उतरे वो राइस मिले। अभी तो हमने मतलब कि वो अरे पहाड़ रहा माउंटेन, उसके ऊपर चढ़ना है, जैसे वो क्लाउड दिख रहे हैं उनके ऊपर जाना है हमें। चलते हैं अभी थोड़ा खा पी ले हम थोड़ा सा, चलते हैं। दे सकते हैं कितनी प्यारी सीनरी है, बड़े ऊपर जाते हुए हमेशा टोल देना पड़ता है। क्या क्या चुका
पनन कशिर बो यार क्या बेरे पे हमसाय रोड इसका गुलमर्ग कितना प्यारा रोड है, शांत रोड, फुली ग्रीन रोड, इसको हम ग्रीनरी के टॉप पे कह सकते हैं कि कवर्ड विद वेरी ब्यूटीफुल ट्रीज, काफी ऐसी ट्रीज और यहाँ पे ग्रीनरी जो है हाई लेवल की है और यहाँ पे शार्प टर्न्स जो है बहुत ही ब्यूटीफुल। आप एक बार गाइस गुलमर्ग आइए और यहाँ का आनंद लीजिए कि किस प्रकार से यहाँ की ब्यूटी जो है वो टॉप पे है, टॉप की ब्यूटी हम बोल सकते हैं। और ये गुलमर्ग आपने मतलब मूवीज में बॉलीवुड में काफी देखा होगा, बस लाइव देखने का जो एक्सपीरियंस है वो काफी अलग है, बहुत अच्छा है। हिसाब दे सकते इधर कितने ब्यूटी बहुत ज्यादा है। हाय हाय, ये सारे भी जा रहे हैं ऊपर और हम इधर थोड़ी अप टू व्यू बता रहे हैं, गाड़ियों देखो कितना कर्व मोड़े राउंड में करते हैं, तो बाइक को तो मजा ही आ जाए बाइकर्स को। So, we are, so guys, आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है इधर, इधर पहुंचते हुए गुलमर्ग, फाइनली इन गुलमर्ग, कितना प्यारा व्यू है। एक मिनट बाद अंग्रेजी आप बाहर जाके दिखाइए इनको, फाइनली को अच्छा व्यू लगे क्योंकि गाड़ी में से वो व्यू नहीं मिल रहा होगा। वो दिख रही थी, देखिए आप कितना प्यारा व्यू है, माय गुलमर्ग। इधर वो इसकी शूटिंग हुई थी ना सॉन्ग एक के की, हाँ काफी पुराने काफी गानों की शूटिंग, और इधर उसकी भी शूटिंग हुई थी, ये शूटिंग हुई थी, क्या नाम है उसका बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना एक ये आ रहा है, मैं आपको थोड़ा आगे चलिए मिस्टर जितेंद्र, ये यहाँ पे यहाँ का टैक्सी स्टैंड है जो यहाँ पे आपको, आप अगर आप लोकली हायर करना चाहते हो तो यहाँ पे मिल जाती हैं आपको चीजें, अगर आपके पास आपकी पर्सनल गाड़ी नहीं है तो आप यहाँ से टैक्सीज या फिर बसेस जो भी कन्वीनियंट है वहाँ पे आप हायर कर सकते हो। देखिए एक प्यारा सा व्यू है गुलमर्ग का, आप देखिए यहाँ का जो ग्रीन विंडोज, जो बहुत ही प्यारा एक ग्रीन सी चादर बिछी हुई है यहाँ पे, पर आपको मैं बता दूं व्यूवर्स की गर्मियों में तो बहुत ब्यूटीफुल होता है, सर्दियों में इसकी ब्यूटीफुल डबल होती है क्योंकि यहाँ पे एक व्हाइट चादर बिछी होती है बर्फ की और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ का। ये देखिए यहाँ के लोकल मार्केट्स, यहाँ पे आपको चाय या कुछ भी आपका फास्ट फूड वगैरह जो कि हमारा चाइनीज मोमो जो हर जगह पहुंचा हुआ है यहाँ पे आपको इजिली मिल जाएगा, हल्का सा कॉस्टली रहेगा, मैं ज्यादा कॉस्टली नहीं बोलूंगा, हल्का सा कॉस्टली बिकॉज सिटी से थोड़ा दूर है तो यहाँ पे लाने छाने के लिए इनको भी अपना खर्चा होता है तो यहाँ के लोग वैसा ही थोड़ा बढ़ा चढ़ा के देखते हैं। तो मैं मिस्टर जितेंद्र को बोलूंगा कि थोड़ा साइड पे गाड़ी रोके ताकि मैं आपको थोड़ा अच्छा व्यू दे सकूं। थैंक यू मिस्टर जितेंद्र। आज हम एडिस द मून लाइट की एक व्लॉग बनाने में हेल्प कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ के हॉर्सेस, देखिए जो हॉर्सेस यहाँ के ग्रीन ग्रास का मजा लेते हुए, ये देखिए यहाँ का ये मंदिर, जो ये मंदिर है जहाँ पे आपका वो पुराना सॉन्ग जय जय शिव शंकर काटा लंगे ना कंकर, हाँ ऐसा ही कुछ था अगर मैं सही से लिरिक्स बोल पा रहा हूँ तो ये था, मैं आपको थोड़ा जूम इन करके बता देता हूँ। ये देखिए ये है वो मंदिर और ये देखिए काफी यहाँ पे अच्छा, और अगर आप यहाँ पे एक बार आए तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ के होटल्स वगैरह। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फाइनली वी आर इन गुलमर्ग, इन बिटवीन गुलमर्ग, गुलमर्ग के बीचों बीच आप देख सकते हैं पीछे हमारा बैकग्राउंड, आपको एक पानी वाली जगह जो कि अच्छा बहुत ही सॉफ्टली पानी चल रहा है, मैं आपको पानी वाली जगह बता देता हूँ।
क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल पानी यहाँ पे बह रहा है। और यहाँ पे हम अभी हम खाना खाने वाले हैं, जो कि हम बिरयानी जवानगर से ही पैक करके लाए हैं। तो मेरा यूट्यूबर भाई, इसके चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए, कर देना लाइक, कमेंट, शेयर भी करना। एग्जैक्टली जो वर्ड ये बोल रहे हैं। और यहाँ पे तो आप व्यू देख लो, कितना ही प्यारा व्यू है। बैक कैमरा से थोड़ा बताते हैं, तो यही देख सकते हैं बैक कैमरा से व्यू, कितना ही प्यारा व्यू है। तो जी किस्मी को जन्नत बोलते हैं। हाँ एग्जैक्टली, जो भी वो देख सकते हो। मतलब सर्वेंटस में बहुत ज्यादा स्नो होती है, स्नो होती है बहुत ज्यादा। यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे कोई 10 फीट होती है और वहाँ पे 20 फीट होती है, इतना ही डिफरेंस है। और यहाँ पे ना गंडोला भी है, जो गंडोला इज अ केबल कार जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है, और खिलमग में कोई काफी हाइट पे पहुंचाती है। मतलब हाइट का तो मैं अप्रोक्सीमेटली या परफेक्ट कुछ भी नहीं बता सकता, बट ये कि ठीक ठाक हाइट होती है। और ये देखिए हमारे फ्रेंड जो कि काफी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे आज जो कि टूरिस्ट अभी थोड़ा सा कम हुआ है बिकॉज ऑफ यात्रा के साथ वो बिजी हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कम आ रहे हैं। और वीकडे होने के कारण यहाँ पे ज्यादा भीड़ भी नहीं है, क्योंकि वीकेंड होता, सैटरडे संडे होता, तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। दैट्स वाई हमने वीकडे चुना, ताकि यहाँ पे हमें ज्यादा कोई भीड़ ना मिले। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ गाइस, कि कैमरा में आपको वो चीज नहीं दिख रही जो हम देख पा रहे हैं लाइव, फिर भी हम आपको बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, आप हर एक हॉर्स राइड, द फोर टायर मोटरसाइकिल राइड, एवरीथिंग अवेलेबल हेयर। और नेटवर्क जो है गाइस बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा अच्छा। थैंक यू। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है इधर, और इधर हम बिरयानी खाते हुए आज, मतलब लंच वादियों में, जन्नत में। ओ सही है। सो नाजी भैया मजा रहा है इधर? ओ यार बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं हम। अब खाना खाने लगे हैं, बिरयानी हमने लाई है, देखो बिरयानी हमारी। नाउ वी आर ईटिंग बिरयानी। तो आप देख लो, अभी व्यू बताता हूँ आपको। क्लाउड देख लो, क्लाउड कितने प्यारे क्लाउड है इधर, बहुत ही अच्छे अच्छे पीस मेरे को आ रहे हैं। सो गाइस देख लीजिए, मतलब इतना अच्छा मौसम और ऐसी ब्यूटी है नेचर में, वाह मजा आ रहा आज, जन्नत में बैठे हुए हम। इधर ये भी आते हुए, ये भी बिरयानी का मजा लेते हुए। सो गाइस थोड़ी थोड़ी सी स्नो भी रेन स्टार्ट हो रही है, स्नो हो रहा हूँ, हल्की हल्की सी, इतनी ज्यादा भी नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी हो रही है। ये सबने लंच कर लिया, इन्होंने भी कर लिया लंच हमारा। तो अब तो हम जाने वाले हैं सीधा उस साइड, थोड़ा सा देख के आते, व्यू देख के आते। चलो नमस्ते। सो नाजी भी हमारा डांस करने वाला है अब इधर। करने वाला नहीं, करने वाले हैं। सो अभी बूफर भी चलने वाले हैं, शायद उसी पर नाचने वाले हैं। तो ये देख, ये हमारी पबजी में भी आया था लाइव, इस इवेंट में आया था। फाइनली हमारी गाड़ी स्टार्ट होते हुए, अच्छे से फंसते हुए रास्ते में। तो स्टार्ट करो यार, धक्का मारते हैं थोड़ा, मतलब देखिए टायर स्लिप हो रहा है। ओ चल जी, चलो सो गाइस, इसको पॉड बोलते हैं, निकाल दिया हमने भैया, निकाल दी गाड़ी वरना उधर ही फंसे रहते। वैसे तो हम वापस भी जा रहे हैं अब, तो आपको थोड़ा सा व्यू बता देते हैं हम इधर। हम अच्छा सा व्यू जो मतलब रिसेंटली बनाया है,
देख सकते हैं आप कितना प्यारा माउंटेन है, और माउंटेन के साइड में लिखा है अल्लाह माइकुल मलिक। व्यू देख लीजिए आप कितना प्यारा व्यू है। तो ये बैक साइड है आई लव माइकल मलिक का, ये नाइट में तो इसमें लाइटें जलती रहती हैं, देख सकते हैं व्यू। तो इधर शूटिंग होती रहती है, ये रोड ही शूटिंग का है। आप देख सकते थोड़े कमी और इधर है तो इसलिए आप दिखाई दे रहा होगा आपको। अभी तो हम जाने वाले हैं, तो अब थोड़ी सी आइसक्रीम आइसक्रीम खा लें हम, तो चलते हैं बाय। अभी तो हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, तो देख सकते हैं आइसक्रीम वाला सामने कप नूडल्स भी है, सामने हॉर्स भी है, इस हॉर्स पे बैठना है तो 50 रुपीज। और देख लो आप ब्यूटी, देख लो यार ब्यूटी के बीच में नीचे पानी चलता हुआ, पर इधर हम आइसक्रीम खा रहे हैं। चलो हमारी आइसक्रीम आते हुए देखिए कैसा स्वाद है भैया। वाह ठीक है, स्वाद तो अच्छा है, लोकेशन है, स्वाद में और भी जान डाल दी है। लोकेशन अब व्यूवर्स को लोकेशन बताओ कि कहाँ बैठ के खा रहे हैं, पानी दिखाओ पानी। ये तो अभी अभी हमने बताया आपको, तो देखिए चारों साइड माउंटेन से फोर साइड यहाँ पे आ रही है, वाटर की साउंड भी आ रही है बहुत प्यारी। तो अभी तो हमें खा रहे हैं, मुझे भी खाने दो, उसके बाद आपको अच्छे से बताते हैं। अभी हम वापस घर के लिए जा रहे हैं, तो ये देख सकते हैं हमारे यूट्यूबर साहब बिल्कुल आराम से सो रहे हैं, और अब इनके चेहरे पे स्माइल आ गई है, आराम से सोए हुए हैं, काफी ब्लॉग बना के थक चुके हैं। तो चलिए गाइस ऑन द बिहाफ ऑफ एडी सिंह मूनलाइट और उनके बड़े दो भाई, वी आर सेइंग बाय टू ऑल ऑफ यू। ये आज का हमारा गुलमर्ग का टूर रहा, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, या तो कोई टूर या तो कोई पार्टी या तो कोई फंक्शन, कुछ ना कुछ जरूर लाएंगे। बाय बाय।